खबर से, राजस्थान के बेटे का लंदन मैराथन में चयन हुआ। दिल्ली में वीजे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है दिल्ली। राजस्थान के जयपुर जिले की तहसील जमवा रामगढ़ के छोटे से गांव नांगल बैरसी के रहने वाले गोवर्धन मीना का लंदन मैराथन में चयन हुआ। जो दो दिन पहले उसे लंदन जाना था लेकिन उसे वीजा नहीं मिल रहा। वैसे खिलाड़ी के अनुसार बताया गया कि खिलाड़ियों को 7 दिन में वीजा मिल जाता है और इनको 3 दिन हो गए हैं दिल्ली गए हुए, लेकिन इनको अभी तक वीजा नहीं मिल रहा है। अधिकारियों के कारण टोल किया जा रहा है, उन्हें झूठे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। सोशल मीडिया पर खिलाड़ी गोवर्धन मीना के द्वारा एक वीडियो डाला, उसके बाद पता चला पूरा मामला। 3 अक्टूबर 2021 को लंदन में मैराथन है। हमारे ब्यूरो चीफ राजेंद्र मेघवंशी ने खिलाड़ी गोवर्धन मीना से फोन पर बात की। मैं गोवर्धन मीना बोल रहा हूँ, जो अभी दिल्ली में ठहरा हुआ हूँ वीजा के लिए, और मेरा गांव नांगलबेला है, पोस्ट लालवास है, तहसील जमारामगढ़ है, जिला जयपुर है। मैं राजस्थान से आता हूँ। मेरी 20 साल की जो मेहनत है इस मैराथन, जो मैराथन 42.95 किलोमीटर की होती है, ये मैराथन ऑल वर्ल्ड मैराथन है, जो लंदन मैराथन है, इसका इंतजार था मेरे को 20 साल से। मैं सपना देखता था कि कोई दिन मैं विश्व मैराथन में मेरा सिलेक्शन होए। भगवान, मैं कितना भी मेहनत करते करते, चाहे मुझे कितने भी साल हो जाओ, लेकिन ये मेहनत मेरी बिल्कुल 20 साल बाद में मिली है मेरे को। वर्ल्ड चैंपियनशिप मैराथन लंदन में हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, मेरा चयन हुआ है, क्वालिफाई किया हूँ मैं। इंडिया की जो टाटा मैराथन, एयू बैंक जयपुर मैराथन, बड़ौदा इंटरनेशनल मैराथन, ये लगातार मैंने 1 महीने में तीनों मैराथन को जीतकर ये पूरे भारत देशवासियों को दिखाया हूँ कि मेरा जो चयन हुआ है इन मैराथन से। ओपन गेम होते हैं लंदन मैराथन के लिए, ओपन गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप, जैसे पूरे वर्ल्ड के खिलाड़ी आएंगे वहां, 202 देशों के आएंगे, उसमें मेरा 100 खिलाड़ी ने भाग लिया है, 100 का सिलेक्शन हुआ है पूरा वर्ल्ड से, उसमें मेरा एक इंडिया में पहला चयन हुआ है, पहले खिलाड़ी का चयन है वहां, और उसमें मैं क्वालिफाई किया हूं। आज उस मैराथन के लिए मुझे लंदन से नोटा आया है कि आप 3 अक्टूबर 2021 को वहां मैराथन में हिस्सा लोगे और वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपका सिलेक्शन हुआ है, आप भागीदारी बनोगे भारत के लिए। एक आपको देखना चाहते हैं लंदन में, देखना चाहते हैं लोग, इंडिया वासी को देखना चाहते हैं कैसे दौड़ते हैं। आज मेरे पास वहां से अप्लाई आ रही है लंदन मैराथन से कि आप सौभाग्य हो जो लंदन मैराथन में चयन हुआ है, आप भारत के पहले नागरिक हो जो लंदन मैराथन के लिए चयन हुआ है। आज मैं उनके लिए, उस मैराथन के लिए मैं वीजा की अप्लाई किया हूं। मैं 20 दिन हो गए हैं मेरे को, हालांकि स्पोर्ट्स में कोई दिन नहीं लगते हैं, स्पोर्ट्स में कोई वीजा, ब्रिटेन वीजा, ये इसमें कोई अप्लाई नहीं होती है, इतनी लंबी वो वेटिंग नहीं होती है, इसमें तो 2 दिन में काम हो जाता है, लेकिन आज मेरे को 19 दिन हो गए हैं और मैं कल से जयपुर में प्रवेश नहीं आ रहा। हेलो हेलो, कौन गोवर्धन मीना की बात कर रहे थे? हाँ जी सर, जो लंदन मैराथन में चयन हुआ था नांगलबेला जमा रामगढ़ जयपुर राजस्थान, तो क्या मामला था गोवर्धन जी? मैं राजेंद्र मेघवंशी बात कर रहा था अलवर से, ब्यूरो चीफ। अच्छा सर, इसमें मामला ये है सर, मैंने वीजा अप्लाई किया था मैराथन में जाने के लिए, मेरा चयन हुआ तो क्वालिफाई किया, तो वहां से मेरा रजिस्ट्रेशन होते ही मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ वीजा के लिए जी। जैसे कोरोना की वजह से अप्लाई, मैं ये सोच रहा था कि अपना वहां से रजिस्ट्रेशन होगा जब अपन अप्लाई कराएंगे, क्योंकि वहां का जब तक ऑप्शन नहीं खुलेगा लंदन वाला मैराथन का, क्योंकि एक साल पहले होती जो एक साल बाद में हो रही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसमें क्वालिफाई करते हैं इंडिया से, उन्हीं को क्वालिफाई करता है, वही रैंकिंग में जाते हैं वहाँ, तो मैंने यहाँ से क्वालिफाई किया, इंडिया से टॉप किया, इंडिया से मेरा सिलेक्शन हुआ है, एक का ही हुआ है लंदन मैराथन के लिए, तो मैंने क्वालिफाई करके ये उनके बाद में मैं रजिस्ट्रेशन करवा के दिए, अपने अप्लाई करवा दिया वीजा की, और मैं 11 को अप्लाई करवाया था, वैसे फॉर्म तो मैं 7 को कर दिया, लेकिन यहाँ से मैसेज आया मेरे पास कि आपको 11 को
दिल्ली आना है, शिवाजी स्टेडियम में जहाँ इनके वीजा वीजा जो अप्लाई होती है वहाँ करवा दिया। उनके बाद में वो बताया कि आपको 6-7 दिन में वीजा मिल जाए क्योंकि आप खिलाड़ी है और खिलाड़ी को जल्दी मिलता है सबसे पहले। तो मैंने 6-7 दिन की बजाय मैंने बोला गोर्डन जी ये अंदर जो रजिस्ट्रेशन पे बैठते हैं ना उन लोगों ने बोला जो मेरा जो वीडियो था आप लोगों ने नहीं वहाँ जो इनका जो वीजा है ना दूतावास है जो यूके का तो अब अभी तक वीजा मिलने की प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी तक वीजा मिला नहीं आप लोगों को। अभी 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 कल तक तो ये बात थी मेरे को 6 बजे तक ये थी कि आपका वीजा आ रहा है आप वेट करो। मैं सुबह 11 बजे से 6 बजे तक वेट किया और मेरा जो फ्लाइट है वो 2 बजे की थी रात की और मेरे को 8 पहुंचाना था लंदन क्योंकि मेरे को वहां भी 2 दिन पहले पहुंचना जरूरी है क्योंकि कोरोना की वजह से। तो मैं उनको ये वेट करने के लिए आप मेरे को किसी से मैं करवाया इसमें दूतावास में तो वो कह रहा है आपका वीजा आ रहा है। बिल्कुल आपकी अप्रोच लगी हुई है सर, वीजा जब तक मेरे को हाथ में नहीं आएगा जब तक मैं कैसे विश्वास करूँ। लेकिन मेरे को आज 8 तारीख हो गई जोड़बन जी, आज 30 तारीख हो गई, अगर 30 सितम्बर 2021 हो गई ना, कितने बज रहे हैं लगभग 9:04 हो गई सुबह की। वो तो गई सर, वो तो मेट्रो वो तो जो एरोप्लेन वो जो टिकट था वो तो कैंसिल हो गया सर, वो तो गए मेरे 1,05,000 जी। अब तो दोबारा होगी, अगर आज वीजा मेरे को हाथ में आ जाएगा तो रात तक भी मैं निकल जाऊंगा तो मेरे को सुबह तक लंदन पहुंचना है कैसे भी आज। अगर राजस्थान की आप राजस्थान की राज्य सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से और केंद्र सरकार के अपने केंद्र सरकार में बैठे